अजब भी गजब भी। दुनिया में अपनी बेहतरीन प्रतिभा के रंग बिखेरने वाले कलाकार कम नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी असाधारण सोच, लगन और जज्बा रखने वाले कलाकार भी हैं, जिनकी आश्चर्यजनक कला का नमूना देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं अनिल सेन से, जिन्होंने लीक से हटकर अपने अजूबे टैलेंट का जलवा दिखाकर दुनिया में अपनी कलाकारी का लोहा मनवा लिया है। जब हम किसी खूबसूरत कारीगरी के नमूने को निहारते हैं तो हमें नजर आती है उसके रंगों और खाके के पीछे छुपी एक सोच, मेहनत और लगन। साथ ही उसे बनाने वाले कलाकार के टैलेंट को भी बखूबी दिखाती है एक तस्वीर। और चलिए अब आपको ले चलते हैं राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर। जहाँ प्रकृति के अलावा इंसान ने भी अपनी मेहनत और प्रतिभा से ऐसे अजूबे बनाए हैं जो देश और दुनिया को सदियों से अपनी तरफ खींच रहे हैं। हर कला के पीछे कलाकार का एक नजरिया यानी विजन होता है और वो उसकी प्रतिभा के जरिए कलाकृति में झलकता भी है। आमतौर पर आपने कलम और ब्रश के जरिए रंगों से चित्रकारी तो खूब देखी होगी, लेकिन जयपुर के कलाकार अनिल सेन अपनी पेंटिंग्स में भरते हैं अनूठी सोच और बेमिसाल हुनर के रंग। दरअसल अनिल की कला कागज और कैनवास पर बालों से उभरती है। जी हाँ, अनिल बालों से खूबसूरत पेंटिंग्स तैयार करते हैं। सिर के गिरते हुए और झड़ते हुए बालों से दुनिया भर के लोग तो परेशान हैं, लेकिन इन्हीं टूटे हुए बालों का इस्तेमाल करते हैं अनिल अपनी आश्चर्यजनक कला में। किसी इंसान को कुछ अलग कर दिखाने का ख्याल कब आ जाए ये कौन जानता है भला। अब अनिल को ही देख लीजिए, इन्होंने तो रंगों के साथ साथ बालों से पेंटिंग बनाने की नई तरह की विधा को तैयार कर दिया। इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले इन बालों को जब अनिल की उंगलियां करीने से शीट या कैनवास पर सजाती हैं, तो कई आकृतियां जिंदा हो जाती हैं। पेंटिंग बनाने के दौरान ही जैसे मेरी हॉबी थी और फिर स्टडी भी, तो मुझे लगा कि हेयर जो कंघी करने के बाद टूट जाते हैं, टूटे हुए बाल का क्या उपयोग किया जा सकता है। तो मैंने सिंगल हेयर को लिया और प्रैक्टिकल में जो मेरे प्रैक्टिकल बॉक्सेज यूज होते थे साइंस में, उससे धीरे धीरे ओम बनाया। ओम बनाने पर मुझे लगा कि ये पेंटिंग में उपयोग होगा। देश दुनिया में हेयर पेंटिंग के महारथी बन चुके अनोखे कलाकार अनिल सेन ने जिस अमेजिंग टैलेंट से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उसकी प्रेरणा उन्हें कहां से मिली? टूटते यानी गिरते हुए बाल तो दुनिया के लिए बड़ी परेशानी है, ऐसे में उन बालों को अपनी कला में इस्तेमाल करने का आइडिया अनिल को कैसे आया? आइए देखते हैं अनिल के हैरतअंगेज हेयर पेंटिंग टैलेंट के सफर की कहानी। आर्ट के लिए अनिल का लगाव शुरू से ही था। रंगों के इस्तेमाल से बाकायदा वो पेंटिंग बनाते रहते थे। तकरीबन 12-13 साल पहले कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक साइंस वर्कशॉप में अनिल को ये आइडिया मिला और फिर उन्होंने बालों से ही पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। अनिल कंघे में बचे बालों को या फिर टूट कर गिरे हुए बालों को इकट्ठा करके पेंटिंग के लिए स्केच तैयार करते हैं, फिर बालों को चिपकाकर पेंटिंग तैयार करते हैं। टूटे हुए बालों को चिपकाकर स्पेशली तैयार किए गए लिक्विड से पूरी सफाई से चिपकाया जाता है। कई बार अनिल सीधे बालों से ही पेंटिंग बनाते हैं। इस अनोखी स्टाइल में एक पेंटिंग बनाने में उन्हें करीब 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। पहली पेंटिंग जब बड़ी बनी, घूंघट में एक महिला का फेस बनाया, तो मुझे लगा कि वर्ल्ड में किसी ने ऐसा दिमाग लगाया या नहीं। तो मैंने नेट पे देखा, फॉरनर्स अधिकतर कुछ अलग करते रहते हैं, तो मैंने नेट पे देखा तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। अनूठी सोच को जब अनिल ने शीट पर साकार कर दिया, तब दुनिया उसे देखकर हैरान रह गई। अपने अमेजिंग टैलेंट के चलते अनिल सेन का नाम साल 2007 और साल 2008 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। साथ ही उन्हें सिंगापुर में स्टार परफॉर्मर अवार्ड भी मिल चुका है। मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कॉन्टेक्ट किया, मेल भेजा, फिर उन्होंने कहा कि आपकी हार्ड कॉपी और जो चीज़ है वो लेके आइए। फिर हम वो लेके गए, उन्होंने देखा कि हाँ, आज से पहले ऐसा हेयर से कभी काम नहीं हुआ आपका नाम। और मेरा 2007 और 2008 कंटिन्यू दो बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम रहा।
राजस्थान यूनिवर्सिटी से ड्राइंग पेंटिंग में पीएचडी करने वाले अनिल अपनी अनोखी कलाकारी का प्रदर्शन देश और दुनिया के कई शहरों में कर चुके हैं। उनके टैलेंट को जहां एक तरफ खूब तारीफ मिली है तो वहीं दूसरी तरफ देखने वाले हैरानी के सागर में भी डूबे हैं। अनिल अपनी इस अनोखी कला की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, जिससे ये आर्ट गुमनामी का शिकार न हो पाए। सलमान खान की बनाई है, अभी हाल ही में वसुंधरा राजे मैम की बनाई है, तो मुझे सपोर्ट मिलता है, बेस्ट विशेज मिलती है उनसे और आगे बढ़ने में हौसला मिलता है कि देश का नाम रोशन करें और कुछ क्रिएटिव करें। चलते चलते हम तो यही कहेंगे कि कभी कभी शौकिया तौर पर शुरू की गई छोटी छोटी चीजें भी कारीगरी का नायाब नमूना बन जाती हैं। अनिल जी, आपकी सोच और कला लाजवाब होने के साथ साथ है अजब भी, गजब भी।